ये देखिए मेरे पास दो बॉक्स हैं, ये लेफ्ट है एक राइट है, इन दोनों में क्या है सब कुछ आपको बताएंगे। कितने का है, क्या सामान है आपको ये भी बता दे रही है, टीवीएस का है। और आपको कोई भी इस चीज़ पे वीडियो अभी तक बनाया नहीं होगा, हमको लगता है अभी तक मैं जितना भी सर्च किया हूँ हमको इस पे वीडियो अभी तक नहीं दिखा है। अब आपको इसकी वीडियो अब हम अगर वीडियो शुरू कर रहे हैं, अब उस वीडियो में आपको इसके बारे में बताएँ कि इसको खोलेंगे ओपन करेंगे कितने MRP का है सब कुछ बताएंगे, एक किस कंपनी का वो भी आपको दिखाएंगे सब कुछ बताते हैं। अब हम माता जी हमारे वीडियो में आपका स्वागत है, मैं हूँ संदीप और नमस्ते। और हमारे वीडियो का एक ही मतलब है बनाएगा, जो भी चीज़ें दिखाएंगे आपको अच्छी चीज़ क्वालिटी वाली चीज़ और ओरिजिनल जो भी कंपनी का चाहे कोई भी कंपनी जो भी कंपनी होगा उसका ओरिजिनल सामान ही दिखाएंगे। ये क्या है अभी आपको दिखाते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये हमारा दो बॉक्स है इस तरह का, ये है इंडिकेटर, किसका है इंडिकेटर आपको सब बताते हैं। ये हमारा इंडिकेटर है, किस कंपनी का वो भी दिखाएंगे। ये डब्बे पे मत जाइएगा, डब्बे पे कुछ नहीं लिखा है, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल इंडिकेटर है TVS का, किस कंपनी का वो भी आपको हम दिखाएंगे। इस पर ये देखिए कुछ इस तरह का है, इसका यहाँ पे लॉक लगता है, इस तरह के लगे हुए आते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए ओरिजिनल जो होता है उसमें इस तरह के लॉक लगे हुए आते हैं, और जो अदर कंपनी में आता है उसमें इस तरह का लॉक नहीं लगा होता, तो वो इन्वर्सल होता है, वो किसी में भी लग जाएगा। और जो जेन्युइन होता है उसमें इस तरह के लॉक लगे हुए आते हैं, ओरिजिनल का यही पहचान है। ओरिजिनल आप कोई भी इंडिकेटर लेंगे उसमें आपको ये वाला लॉक मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये हमारा इंडिकेटर है, किस कंपनी का आता है आपको हम भी दिखाते हैं। इसको पहले प्लास्टिक उखाड़ लेते हैं, इसकी क्वालिटी चेक कराते हैं आपको। ये हमारा खुल गया, ठीक है, अब ये खुला, किस कंपनी का आपको हम दिखाते हैं। अभी ये देखिए लाइट दिख रहे हैं, तो दिख रही है, ये है फेम कंपनी का, FIEM फेम कंपनी लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, तो ठीक है ये फेम कंपनी का आता है, ये ओरिजिनल है, ठीक है। TVS को प्रोवाइड फेम कंपनी ही कर रही है, अगर फेम में आपको मिले तो वो ओरिजिनल है। इसका एक चीज़ का और फायदा, इसकी जो बल्ब है एकदम अलग है, अब जो अन्य गाड़ियों में जो गोले वाली बल्ब लगती थी वो नहीं लगती, इसमें दूसरी बल्ब लगती है, इसमें छोटा सा बल्ब होता है उसको ऐसे खोज दीजिए बस। पहले वाले में क्या था, पीछे ऐसे लगा के घुमाने वाला होता था, अब ये इस तरह का है कुछ, ये है, ये है। कितने का है ये वाला आपको बताते हैं, इसको साइड में रखते हैं। दोनों फेम कंपनी का है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और ओरिजिनल ओरिजिनल का बात ही कुछ और है। अब आपको बताते हैं ये कितने का है, दो पीस का पेयर, पार्ट नंबर है इसका 024BLA200RR, ठीक है। ब्लिंकर असेंबली अपाची 2 पीस, ठीक है, RTR 2 यूनिट, ठीक है। इसका रेट है 360 रुपये, इसमें भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम जुड़ो, इसमें भी 360 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका कौन सा गाड़ी का है, ये है आपका राइट साइड का, ठीक है, RR राइट। अब दिखाते हैं आपको लेफ्ट साइड, इसको रख देने को मिक्स हो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसमें इसमें डाल देते हैं अभी, और इसकी भी क्वालिटी आपको देखते हैं, इसके वायर का क्वालिटी चेंज हो गया, और इसमें देखते हैं इन दोनों में चेंज हो गया, देख रहे हैं, इसमें ग्रीन है, इसमें ग्रीन है, इसमें बैगनी कलर हो गया, देख रहे हैं चेंज हो गया दोनों में, कलर का भी डिफरेंट है। ओरिजिनल में यही सब चीज़ें, अगर ये लोकल होता तो दोनों में सेम कलर हो जाता था, इस तरह की कफलिंग नहीं लगी होती, या कफलिंग लगी भी होती तो इस तरह की क्वालिटी नहीं होती, ठीक है। ये आपको दिखा रहे हैं, अब ये दिखाते हैं ये भी किस कंपनी का, ये भी आपको ओपन करके दिखाते हैं। ये इस पर भी देखिए फेम लिखा हुआ है, फेम लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, फेम कंपनी का है, इस पर सब कुछ, इसकी क्रिस्टल फिनिशिंग देख रहे हैं कितना बढ़िया है, देख रहे हैं कितना मस्त लग रहा है देखने में लुक वाइज। इसमें बस वही सेम चीज़ है, इसकी क्वालिटी भी है, तार इतना बड़ा है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें भी देखिए हुक लगा हुआ है, इसकी प्राइस देखिए बता देते कितने का है,
आपको बताते हैं इसकी प्राइस। इसकी प्राइस है 360 रुपये, ठीक है। ये लेफ्ट साइड का है, RRLH लेफ्ट साइड, ठीक। इसमें क्या लिखा था, RH राइट, यहाँ पे लिखा है LH लेफ्ट राइट, ठीक। और इसको भी जला के दिखाते हैं आपको। ये देखिए बैटरी ले आए हैं, अब बैटरी से आपको चेक कराते हैं इसकी क्वालिटी। एक मिनट, इसको लगाएं इसमें, अब इसको लगाते हैं इसमें। क्वालिटी जब ओरिजिनल सामान होता है उसकी क्लीनिंग देख लीजिए कैसा है, मस्त। जब इसमें फ्लैशर लगेगा तब इसकी लाइट कुछ और लगेगी, ठीक है। ये हो गया आपका इसका, अब उसको भी दिखाते हैं, आपको चलाते हैं। इसको रख देते हैं इसमें, मिक्स हो जाएगा। इसमें से एक निकालते हैं, इसको भी जला देते हैं, सेम चीज। इसको बनाना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ता है, ये सब में चीज़ों में हो चुका है। ओरिजिनल की बात ही कुछ और होती है, रिफ्लेक्टिंग देख लीजिए कैसा है, मस्त। देखिए है ना, फ्रेम कंपनी का है। अगर आपको ये सस्ते में चाहिए तो फ्रेम कंपनी में ले लीजिए, ओरिजिनल में लेंगे तो आपको महंगा ही मिलेगा। ये तो 360 रुपये का है, फ्रेम कंपनी का है, और जेन्युइन में लेंगे तो कम से कम 500 रुपये का लमसम करीब में ही आएगा। ये दोनों टू पीस का पेयर आएगा 500 रुपये करीब में, ठीक है। ये हमारा फ्रेम कंपनी का है, और इसको रखते हैं साइड में। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करिएगा, और हमारे वीडियो पे आप सपोर्ट करिए। हम लास्ट में इतने बोलते हैं कि आप पहले सारी चीज़ें देख लीजिए, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। ये TVS 4B का इंडिकेटर है, ठीक है। 360 रुपये MRP है।